हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग जीएनएफ मतलब कि ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म इज जीएनएफ। किसी भी तरह के ग्रामर को सीएफजी को अगर हम जीएनएफ में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब कि हम डिराइवेशन को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जब हमने अपने ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो भी इसी पर्पज से किया था कि हमारा जो डिराइवेशन है वो आसान हो जाए। तो कोई भी प्रोडक्शन जीएनएफ में कैसे होगा अगर हमारा प्रोडक्शन इस तरह से है, एक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल ए एंड लेट्स से वाई, जहाँ पे एक्स एक नॉन टर्मिनल है। जैसा आपको पता है कि अगर कोई भी ग्रामर अगर सी एफ जी है तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही सिंबल होगा, वो नॉन टर्मिनल होगा। राइट हैंड साइड में जो स्मॉल ए है वो टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, और जो कैपिटल वाई है दिस एक्चुअली इज वेरिएबल्स का स्टार। इसका मतलब कि इसमें एक वेरिएबल टर्म हो सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल टर्म्स हो सकते हैं, हो सकता है एक भी वेरिएबल टर्म भी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो हो सकता है कि एक्स प्रोड्यूसेस केवल स्मॉल ए हो, ये ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए हो, जहाँ पे कैपिटल ए एक नॉन टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है या वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म में है। अगर हमारे पास एक्स प्रोड्यूसेस ए बी स्मॉल ए कैपिटल ए और बी हो तो भी ये ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म में है। अगर हमारे पास एक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए बी सी डी हो तो भी ये ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म में है। तो पहला सिंबल टर्मिनल हमारा होना चाहिए और इसके बाद हमारे जो सिंबल्स हैं वो हमारे नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं। लेकिन हमारा प्रोडक्शन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक टर्मिनल हो राइट हैंड साइड में, फिर नॉन टर्मिनल हो, फिर टर्मिनल हो, फिर नॉन टर्मिनल, ये अलाउड नहीं है। तो अगर पहला सिंबल टर्मिनल है तो इसके बाद सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स होंगे, ये यहाँ का रूल कहता है। तो इसी जानकारी को ध्यान में रखते हुए आइए हम कन्वर्ट करते हैं एक ग्रामर को जीएनएफ में या ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म। सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड द एग्जाम्पल इज लेट्स से एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड ए प्रोड्यूसेस कैपिटल एस और बी। ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन से पहले आपके पास एक जानकारी होनी चाहिए लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने की। अगर आपने लेफ्ट रिकर्शन की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, और उसी वीडियो में जो कन्वर्जन के रूल्स हमने लेफ्ट रिकर्शन के लिए अप्लाई किए हैं उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। आइए हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस ग्रामर को ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म में। तो इस ग्रामर में सबसे पहला चीज हमें ये देखना है कि इसमें कोई यूनिट और नल प्रोडक्शंस ना हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी यूनिट और नल प्रोडक्शंस नहीं है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए हमने जो एस वेरिएबल है उसको मान लिया कि वो ए वन वेरिएबल है, और जो ए वेरिएबल है हमने मान लिया कि वो ए टू है। इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं, तो ग्रामर में नंबरिंग जरूरी है क्योंकि नंबरिंग से हम कुछ अचीव करेंगे। सो जो पहला प्रोडक्शन हमारा है इसको हमने रीनेमिंग की इसकी ए वन प्रोड्यूसेस ए टू या स्मॉल ए। जो दूसरा प्रोडक्शन हमारा है इसको हमने रिजॉल्व किया कैसे, ए टू प्रोड्यूसेस ए वन एंड स्मॉल ए। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि हमारे जो प्रोडक्शन हमने अटेन किए हैं, लेट्स से ये वन और टू नंबर प्रोडक्शन हैं, तो ये वन नंबर प्रोडक्शन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो सिंबल है उसमें नंबर है ए वन वन, और जो राइट हैंड साइड में पहला सिंबल है उसमें टू है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो राइट हैंड साइड का पहले सिंबल के नंबर से छोटा है, तो ये अलाउड है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है वो राइट हैंड साइड के नंबर से बड़ा है, मतलब कि लेस देन नहीं है, तो उस केस में हमें इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए जिससे कि या तो ये लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए। सो लेस देन या इक्वल हम किसकी बात कर रहे हैं, हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में ए टू है तो राइट हैंड साइड में भी ए टू आ जाए, वो इक्वल हो जाएंगे दोनों के नंबर्स जो हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में ए टू है तो राइट हैंड साइड में ए थ्री आ जाए, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड के सिंबल का जो नंबर है दैट इज लेस देन द सिंबल नंबर ऑफ राइट हैंड साइड। तो इसी फॉर्म में हम कोशिश करेंगे कन्वर्जन। नाउ
इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन नंबर 1 है वो तो सब सही है उसमें, लेकिन प्रोडक्शन नंबर 2 में हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन नंबर 2 में प्रोडक्शन नंबर 1 की वैल्यू रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव ए टू प्रोड्यूसेस ए वन एंड बी, तो हम इस ए वन को रिप्लेस करते हैं प्रोडक्शन नंबर 1 से। सो दिस बिकम्स ए टू। ए वन पहले ए वन की जगह हम केवल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, दूसरे ए वन की जगह रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, उसको ए वन ही रहने देते हैं एंड ऑब्लिक बी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए टू और ए टू दोनों हो गए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो नंबर है वेरिएबल पे वो सेम है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्या इसमें लेफ्ट रिकर्शन है। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन है, तो इस लेफ्ट रिकर्शन को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट रिकर्शन आपको पता होगा कि कैसा प्रोडक्शन है। ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा टाइप का अगर प्रोडक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में सिंबल और राइट हैंड साइड का पहला सिंबल सेम है, इसका मतलब कि लेफ्ट रिकर्शन है। तो इसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, रिजॉल्व करते हैं ए प्रोड्यूसेस बीटा ए डैश ऑब्लिक बीटा एंड ए डैश प्रोड्यूसेस अल्फा ए डैश एंड अल्फा, नॉट ए अल्फा ए डैश एंड अल्फा। तो इस फॉर्म में हम देखते हैं कि कन्वर्ट कर पाएंगे हम। सो यहाँ पे हमारे पास ये सिंबल है लेट्स से ए, और ये सिंबल है ए, और ये दोनों सिंबल हमने मान लिया अल्फा है, और इसको हम मान लेंगे बीटा। इसी को मानते हुए हम अगर हम इसको रिजॉल्व करें, सो नाउ ए टू प्रोड्यूसेस स्मॉल बी जो कि बीटा है एंड ए डैश, एंड देन इसके बाद ए डैश सॉरी यहाँ पे बी दिया गया, और ए डैश प्रोड्यूसेस अल्फा ए डैश, इट मीन्स ए टू ए वन इज अल्फा एंड देन ए डैश ऑब्लिक ए टू ए वन, सो अल्फा ए डैश एंड अल्फा। तो इस फॉर्म में हमने इसको रिड्यूस कर लिया। अब इसके बाद अगर आप देखें कि ये जो प्रोडक्शन है ए टू वाला प्रोडक्शन, ये ऑलरेडी जीएनएफ में एक टर्मिनल है, उसके बाद नॉन टर्मिनल, और दूसरे वाले प्रोडक्शन में केवल एक टर्मिनल सिंबल ही है। तो इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्शन है 3 नंबर प्रोडक्शन, इसको मान लेते हैं ये ऑलरेडी जीएनएफ में है, बट जो प्रोडक्शन है नेक्स्ट वाला वो वाला जीएनएफ में नहीं है, हमें इसको जीएनएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये मेरा प्रोडक्शन नंबर 4 है। इसके बाद हम 1 नंबर प्रोडक्शन को देखते हैं, अगर तो 1 नंबर प्रोडक्शन अभी जीएनएफ में नहीं है। 2 नंबर के साथ हम आगे बढ़े थे और इसको काफी हद तक हमने जीएनएफ में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन 1 नंबर अभी भी जीएनएफ में नहीं है। तो 1 नंबर को हम एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, ए वन प्रोड्यूसेस ए टू एंड स्मॉल ए। इसमें जो पहला ए टू है उसको हम 3 नंबर प्रोडक्शन जो अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है उसके हिसाब से रिप्लेस कर देते हैं। सो ए वन प्रोड्यूसेस स्मॉल बी ए डैश ए टू की जगह हमने लिखा, और एक ए टू ऐसे ही रहेगा। एंड देन इसके बाद स्मॉल बी है, ए टू की जगह हमने स्मॉल बी लिखा और उसके बाद ए टू लिख दिया और स्मॉल ए ऐसे ही रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी रिजॉल्व हो गया है या कन्वर्ट हो गया है जीएनएफ में या ग्रेवेट नॉर्मल फॉर्म में। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 5 नंबर प्रोडक्शन है। नाउ जो 4 नंबर प्रोडक्शन है उसको एक बार हम फिर से देखते हैं। सो 4 नंबर प्रोडक्शन हमारा है ए डैश प्रोड्यूसेस ए टू ए वन ए डैश और ए टू ए वन। यहाँ पे जो पहला सिंबल है यहाँ पे ए टू है और यहाँ पे भी पहला सिंबल ए टू है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसको अलग अलग प्रोडक्शन की तरह से लिख देते हैं जिससे कि हमारा कन्वर्जन आसान हो जाए। सो ए डैश प्रोड्यूसेस ए टू ए वन ए डैश, और राइट हैंड साइड में हम इसका दूसरा वाला पार्ट लिख देते हैं कि ए डैश प्रोड्यूसेस ए टू एंड ए वन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस ए टू की जगह रिप्लेस कर देते हैं 3 नंबर में जो ए टू है उससे। सो नाउ ए डैश प्रोड्यूसेस ए टू, हमारा ये वाला हम पिक कर रहे हैं। सो बी ए डैश, और पहले से ए वन ए डैश है मेरे पास, और एक स्मॉल बी है तो ए टू की जगह हमने स्मॉल बी लिख दिया, एंड देन ए वन ए डैश हमारे पास पहले से ही है। तो ये मेरे पास प्रोडक्शन आया, लेट से ये प्रोडक्शन 6 नंबर है और ये ऑलरेडी ग्रेवेट नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि पहला सिंबल टर्मिनल है और उसके बाद फिर नॉन टर्मिनल्स है।
इसको पिक करते हैं, इसमें भी वही काम करेंगे कि जो 3 नंबर प्रोडक्शन है उसके हिसाब से इसको एक्सपैंड कर देंगे। सो पहले ए टू की जगह हम लिख रहे हैं बी ए डैश, इस ए टू की जगह हम लिख रहे हैं बी ए डैश, और ए वन पहले से है। फिर स्मॉल बी रख देते हैं ए टू की जगह, सो स्मॉल बी एंड ए वन। सो अब अगर आप देखें कि ये वाला जो प्रोडक्शन है वो भी ग्राइवेट नॉर्मल फॉर्म में है, तो लेट्स से दिस इज प्रोडक्शन नंबर 7। सो नाउ हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्शन जीएनएफ में हुए, सो वी हैव प्रोडक्शन नंबर 3, दिस वन, और प्रोडक्शन नंबर 5, दिस वन, प्रोडक्शन नंबर 6 इट मीन्स दिस वन, एंड प्रोडक्शन नंबर 7 मतलब कि दिस वन। दीज आर इन जी एन एफ। सो वी हैव अचीव्ड अवर आंसर, वी हैव कन्वर्टेड अवर गिवन ग्रामर टू ग्राइबेक नॉर्मल फॉर्म इट मीन्स जी एन एफ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और हम इस तरह से इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।